हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी चैंपियंस? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? और हाउ इज स्टडी गोइंग ऑन? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? फटाफट जितने रह गए सबको कनेक्ट कर लो, फटाफट कनेक्ट कर लो। बहुत सारे जुड़ चुके हैं, LBS, पूजा जी, सत्यम जी, हिमांशु जी, सक्सेस जी, LBS जी, हेमराज जी, लोकेश जी, अंशु जी। ओके, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, सुपर, माइंड ब्लोइंग। ठीक है चैंपियंस, स्टार्ट करते हैं ग्रामर शो, जिसमें चल रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस। कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट, कंप्लीट हो चुका है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस, और मॉडल्स का कंप्लीट हो चुका है पैसिव वॉइस। साथ ही साथ और क्या पढ़ाया गया है? साथ ही साथ मॉडल्स के साथ आपको पढ़ाया गया है कुछ स्पेशल यूजेस, लाइक एट कहाँ कहाँ आएगा बाई की जगह, और इसके साथ विद कहाँ आएगा, टू कहाँ पर आएगा। ये सब क्लियर है? ऑल इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और आज शाम को 7:30 में अद्भुत प्रश्नोत्तरी है, ठीक है? हाँ बिल्कुल है, सभी को देखना है। चलो उसका लास्ट में अनाउंस कर दूंगा, क्लास स्टार्ट करते हैं पहले। और हेडिंग डालने से पहले एक बार देखिए कोट ऑफ द डे क्या कहता है। कोट ऑफ द डे, लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, मैनी पीपल फेल। जिंदगी बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, ठीक है? जिंदगी क्या होता है चैंपियंस? बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, ठीक है? मैनी पीपल गेट फेल। क्यों हो जाते हैं फेल? बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स। वो दूसरों की कॉपी करते रहते हैं, कॉपी। नॉट रियलाइज दैट एवरी वन हैज अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। और ये भूल जाते हैं भाई, हर एक का अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है, एक जैसा क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। इट्स मीन्स हर एक की अलग सिचुएशन होती है, अलग कंडीशन होती है, हर एक के अंदर अलग टेम्परामेंट होता है, अलग जील होती है। इज दैट क्लियर? सो डू नॉट कॉम्पेयर टू एनीबॉडी एल्स। किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, हमें खुद से कंपैरिजन करना है, अपने आप को दिनों दिन बेहतर बनाना है, ठीक है? अपने आप को दिनों दिन बेहतर बनाना है। इज दैट क्लियर? चले, दैट्स ग्रेट। ये रहा आपका ग्रामर बूस्टर। यस्टरडे रमेश गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। नो एरर। SSC का क्वेश्चन है ये। किसका? SSC 10+2 का, 14 में आया हुआ है। बताओ इस सेंटेंस के कौन से हिस्से में ग्रामेटिकल गलती है, फटाफट बताइए, ठीक है? या तो यस्टरडे रमेश गॉट, या फिर द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर, या डैड इन एक्सीडेंट, या फिर वाइल्ड ट्रेवलिंग इन अ कार, या फिर नो एरर। क्या? या फिर नो एरर, बताइए फटाफट किसमें गलती है। सोच समझ के बताना। आपने टेंस पढ़े हैं, यदि एक पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट में है, कोई पास्ट की दो घटनाएं होती हैं, एक पास्ट में, तो पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, याद आया? या दो इंसिडेंट दिए हुए हैं। नंबर वन इंसिडेंट है, रमेश को सूचना मिली थी, ये पास्ट में चला गया, कोई इशू नहीं है। क्या सूचना मिली थी? उसके फादर एक्सीडेंट में डाइड, चले गए ऊपर। तो भाई जब सूचना मिली, उससे पहले काम हुआ है, सूचना पास्ट में मिली, डैडी उससे पहले गए ऊपर, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पापा, पास्ट का भी बाप। कौन होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। कौन होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहां पर क्या आएगा? डाइड की जगह हैड डाइड। क्या आएगा? हैड डाइड, राइट। क्या आएगा यहां पर? हैड डाइड। और आंसर बनेगा 3, करेक्ट, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। और हिंदी क्या निकलेगी? कल रमेश को खबर मिली थी कि उसके पापा कार से ट्रेवल कर रहे थे, तब एक्सीडेंट में खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, ही इज नो मोर नाउ, राइट। ये इसका सेंस है। आगे बढ़े, ओके और ये अनाउंसमेंट है, अगर आप रियल चैंपियन होना, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, आज 30 क्वेश्चंस मिलेंगे अद्भुत प्रश्नोत्तरी में। और आप में से दो बच्चे आज जुड़ने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं, टेक्निकल टीम ने शायद उन्हें जोड़ा भी होगा, दो बच्चे जुड़ेंगे आज जो डेली देखते हैं लाइव, ठीक है? बिल्कुल जुड़ेंगे वो। आप तभी देखना आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर आया है लाइव प्रश्नोत्तरी के अंदर, ठीक है? अद्भुत प्रश्नोत्तरी है जहां खेलेंगे, सीखेंगे, जीतेंगे। खूब सारा खेल खेलेंगे मैं और आप, और सीखेंगे, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे भी, साथ ही साथ जीतेंगे भी। हर प्रश्न का करेक्ट आंसर देने पर मिलेगा 100 रुपीज प्राइज होगा वो। तो आज शाम को 7:30 बजे SP सर इज बैक। क्लियर? सबको देखना है, प्रॉमिस करो। यस सर, यस सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबको देखना है, ठीक है?
राधिका बोलें ग्रेट सर, रोज देखते हैं हम, गुड, देखना भी चाहिए, नॉलेज बढ़ती है। राजेश सूरज, सूरज पटेल, वाह क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है चैम्स, ठीक है, गुड गोइंग, गुड गोइंग। चलो अब मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, होमवर्क दिया था, होमवर्क कर लेते हैं पहले। ये देखिए होमवर्क क्या है, होमवर्क है पहला क्वेश्चन, ये आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। और एक्टिव क्या है, स्टूडेंट्स आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, यहां पे क्या आएगा, लॉट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, लॉट ऑफ वर्क, राइट। तो देखो मुझे पता चला ये सब्जेक्ट आ रहा है, इज आर एम आ रहा है, फर्स्ट टू प्लस आईएनजी आ रहा है, टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मुझे पता चला ए लॉट ऑफ होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब ये सिंगुलर में कंसिडर करेंगे तो बनेगा ए लॉट ऑफ होमवर्क इज बींग, ए लॉट ऑफ होमवर्क इज बींग, देखो कहां कहां पर है, ए लॉट ऑफ होमवर्क इज बींग कहां है, ये गलत हो गया, ए लॉट ऑफ होमवर्क या ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क इज डन है, नो 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 नो, ए लॉट ऑफ वर्क इज बींग ढूंढना है, ए लॉट ऑफ वर्क इज बींग यहां मिला हुआ है, और ए लॉट ऑफ वर्क इज डूइंग नो, आंसर बना सी फॉर कैनेडा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्मार्ट गेम खेलना है, स्मार्ट गेम, कौन सा गेम, स्मार्ट बनना है, यस यस एवरीवन, यस राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके। आगे देखिए सेकंड, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, अब आपको क्या करना है, इसे उल्टा करना, एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है, और आपको तो कैसे चेंज करना है, पहले इसके देखना है, हर डिसीजन इज अ सरप्राइज टू मी, तो इसका हम जो पैसिव बनाएंगे, हर डिसीजन, नो नो नो, ये तो आई, ठीक है, आई इधर लेके जाएंगे, ठीक है, ये देखो इज आर एम कहां लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में लगता है, किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में लगता है, राइट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में इज आर एम आते नहीं है, तो देखो इज आर एम वाला छोड़ो, इज आर एम वाला गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दोनों खत्म हो गए, अब दो रह गए, एक सरप्राइज ये पास्ट में चला गया, गलत हो गया, और ये हो गया सीधा सीधा आंसर, हर डिसीजन सरप्राइजेस मी, तो चेंज करना जरा, आई एम सरप्राइज्ड एट अ डिसीजन, बोलो मजा आया, बल्ले बल्ले, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल, जितना प्रैक्टिस करोगे चैंप्स उतना सीखते चलोगे, ओके। नेक्स्ट, व्हाई शुड आई बी इंसल्टेड बाय यू, इसको एक्टिव में चेंज करना है, क्या एक्टिव में चेंज कर, मुझे पता चला शुड बी तब चेंज होता है, शुड से शुड बी बनता है, तो शुड वाला सेंटेंस देखना है, ये व्हाई डू यू इंसल्ट, ये खत्म हो गया, शुड तो है ही नहीं, व्हाई शुड ये चलेगा, व्हाई आई एम इंसल्ट ये खत्म हो गया, ये आई एम ये खत्म हो गया, आंसर बन गया बी, बी फॉर बॉम्बे, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, स्मार्ट गेम हो रहा है, स्मार्ट गेम बता रहा हूं कैसे करना है सॉल्व, वहां पर ट्रिक यूज करना है, ट्रिक यूज करना है, ओके। फोर्थ देखें, फोर्थ फोर्थ देखिए, दे हैव टर्न डाउन ऑल आर सजेशंस, पैसे में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, पैसे में, ठीक है, और हमें पता है ना, जब पैसे में जाएगा तो हैव बीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हैव बीन बन जाएगा, हैव बीन वाला देखो कौन सा है, ऑल सजेशंस हैव बीन ये चल जाएगा, अभी ऑल सजेशन ये खत्म हो गया, हटाओ, सजेशंस टर्निंग डाउन, अरे हटाओ, अरे खत्म करो, पहला आंसर है, ए आंसर है, यानी कि आपको रिजेक्टेड मेथड अपनाना है, सेलेक्टेड नहीं, अभी आप इतने इंटेलिजेंट हो, खलीफा हो गए हो कि ये आंसर होगा टक, नहीं, पहले गंदगी को निकालना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये होगा, कूड़े कचड़े को बाहर करना है, और फिर जो रह जाए ना रिफाइन मैटर, उसमें से सेलेक्ट करना है, इसे बोलते हैं रिजेक्टेड मेथड, क्या रिजेक्टेड मेथड अपनाना है, ठीक है, कौन सा मेथड, कमेंट करो, कमेंट करो सभी चैंपियंस, कौन सा मेथड की बात कर रहा हूं मैं, रिजेक्टेड, जो बेकार है, कूड़े कचड़े को बाहर करो, बस काम की चीज रह जाएगी, उसमें से छांटना आसान होगा, इज दैट क्लियर, ओके, बिल्कुल इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, बिल्कुल शानदार, शानदार, बिल्कुल, आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस परिवार में से जो हिंदू वकैब का परिवार है और ग्रामर का परिवार है इंग्लिश का, उसमें से दो रेगुलर कैंडिडेट जुड़ने वाले हैं आज अद्भुत प्रश्नोत्तरी में, आपके हमारे परिवार में से दो ऐसे कैंडिडेट जुड़ेंगे आज जो निश्चित रूप से लाइव होंगे मेरे साथ, ठीक है, जूम से कनेक्ट होंगे,
रिजेक्टेड मेथड, रिजेक्टेड मेथड, सक्सेस हबीब, क्या बात है अमित, क्या बात है चैंप्स, ये बताओ। आई हिम, आई एम ओबलाइज्ड बाई हिम, आई विल ओबलाइज, आई एम ओबलाइज्ड, आई एम ओबलाइज टू हिम, चलो बताओ क्या आएगा, फटाफट बताइए, बोलो फटाफट। अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो फटाफट, कम ऑन। राजेंद्र जुड़ना चाहते हो भाई, अब तो अगली बार नंबर आएगा, कल मैंने अनाउंसमेंट की थी, जो जुड़ना चाहता है नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दो कमेंट बॉक्स में, ये मैंने कहा था, दो बच्चों ने छोड़ा है, दोनों बच्चों का नंबर आएगा आज, ठीक है। हाँ अब तो अगली बारी में जुड़ना जितने भी हैं। हाँ जी क्या आएगा, डी 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 डी, बिल्कुल सही है, डी आएगा। देखो आई एम हो जाएगा और ऑबलाइज्ड हो जाएगा, ऑबलाइज्ड के बाद टू आता है, या प्रीपोजिशन की गलती पूछ रहा है, टू लगा ही नहीं है, टू लगा है, आंसर डी बन गया। बताओ फाइव आउट ऑफ फाइव होमवर्क में कितने लोगों के आए, फास्टर बताओ, चलो फाइव आउट ऑफ फाइव, यस यस, गुड 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 गुड, फाइव 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 फोर फाइव, ऑसम फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट, डी होगा, डी होगा, बिल्कुल डी होगा, पढ़ाई करें आगे, चलिए डी होगा बिल्कुल, फाइव फाइव, शिक्षा जी ग्रेट, लक्ष्मी जी ग्रेट, ओके, नीलम शर्मा जी ग्रेट, बिल्कुल, पिंकी जी, ओजा जी करेक्ट, गुड गोइंग गुड गोइंग, सक्सेस अभी, गुड गोइंग, ठीक है चैम्स, ग्रेट, ठीक है आगे बढ़े। अब हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट, क्या पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट, कॉन्ट्रेस्ट तो कर चुके हैं हम लोग, हेडिंग प्लीज, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हमारा जो एक्टिव होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड, पास्ट परफेक्ट ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा हमारा, बहुत सिंपल है। और जब से पैसे में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हैड आ जाएगा और साथ में क्या लग जाएगा, बीन, ठीक है, और क्या लगेगा, वी थ्री, क्या लगेगा, बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव किस, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, गॉट इट। अब देखिए सेंटेंस, बात करते हैं, आई आई, उसके बाद हैड, उसके बाद वॉन, उसके बाद द, उसके बाद मैच, आई हैड वॉन द मैच, राइट। इसके बाद जो चेंज होगा कैसे करेंगे, द मैच, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वॉन, उसके बाद बाय, उसके बाद मी, बन गया, आई हैड वॉन द मैच एंड द मैच हैड बीन वॉन बाय मी, आदित्य अग्रवाल जी, क्लास 11th का कोर्स आप खूब खरीद सकते हो, यदि आप प्लान कर रहे हो साइंस लें तो साइंस का ले लो, आर्ट्स लेना आर्ट्स का ले लो, और कॉमर्स का लेना कॉमर्स का ले लो। जब बच्चे आपको लगे मुझे चेंज करना है, जब आपका रिजल्ट आउट हो, आपको लगे नहीं मुझे चेंज करना है, तो चेंज कर सकते हो, तीनों कोर्सेज का प्राइस सेम है, यानी कि 11th 12th का कोई भी स्ट्रीम आप लेते हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सबका प्राइस सेम है, तो हम एक्सचेंज कर देंगे, टेंशन मत लो, आप तो परचेज करके रख लो, और फिर कोई समस्या आती है, कोई चेंज करना है जून जुलाई में, जब भी आपका रिजल्ट आए तो ध्यान रखना, उत्कर्ष इज यर, नो नीड टू फेयर, टेंशन मत लो आप, ठीक है, बिल्कुल आज ही ले लो बेटा, खरीद लो आज, बिल्कुल आदित्य अग्रवाल जी, बिल्कुल समझ गया, आप कोर्स खरीद लीजिए जो आपका मन करे, और फिर बाद में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत आएगी तो, आपको लगता है कि चेंज करना है स्ट्रीम, तो चेंज कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है,
चलिए, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड. जरा चेंज कीजिएगा चैंपियंस, चेंज कीजिएगा. लिखें, यू हैड ब्रॉट सम बुक्स. चलो फटाफट चेंज करो. सेकेंड, माई फ्रेंड हैड नॉट won the prize. इसे भी चेंज करना है फटाफट. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. गुड गोइंग, गुड गोइंग, फास्टर. यस, चेक करना, आप चेक करना सभी. इसका बनेगा यू हैड ब्रॉट सम बुक्स, तो क्या हो जाएगा, सम बुक्स, सम बुक्स हैड बीन ब्रॉट बाय यू. ये बन जाएगा राइट. इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा द प्राइज had not been won by my friend. ये बनेगा ठीक है. बताइए कितने आए, टू आउट ऑफ टू, टू आउट ऑफ टू. क्या बात है चैंपियंस, टू आउट ऑफ टू, ग्रेट. अब मैं आपको नेगेटिव इंट्रो डब्ल्यूएच वर्ड तीनों देता हूँ संभालना, तब जाके मैं सेटिस्फाइड होऊंगा. ओके रेडी, चलो थ्री क्वेश्चंस करके दिखाओ पास परफेक्ट में से. लिखिए नंबर वन, How had he spoken fluent English on the stage? Question mark. Okay. Second. Why had you celebrated your birthday in at home, at your home? चेंज कीजिएगा. थर्ड, मिस्टर शर्मा हैड नॉट सीन द इंडिया गेट, द इंडिया गेट. चले चेंज कीजिएगा चैंपियंस, फास्टर, कम ऑन, फटाफट चेंज कीजिएगा. अनुप्रिया तिवारी जी, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग. रणवीर जी, नीलम शर्मा जी, सचिन जी, अमित मीना जी, ग्रेट ग्रेट.
जिन्होंने नंबर दिया था अद्भुत प्रश्नोत्तरी में कोई इशू नहीं है, जिनका नंबर आया अच्छी बात है, जिनका नंबर नहीं अगली बार ले लेंगे, टेंशन मत लो आप, टेंशन मत लिया करो, ठीक है? ओके, मैं याद रखूँगा किस किस का नंबर आया है, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलिए चेंज करते हैं। हाउ हैड ही स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश ऑन द स्टेज, इसमें ऑब्जेक्ट क्या फ्लुएंट इंग्लिश है, कैसे बनेगा? हाउ हैड फ्लुएंट इंग्लिश बीन स्पोकन बाय हिम ऑन द स्टेज, ये बन गया, क्या बन गया? हाउ हैड फ्लुएंट इंग्लिश बीन स्पोकन बाय हिम ऑन द स्टेज, बिल्कुल करेक्ट है। Why had you celebrated your birthday at your home? कैसे बन जाएगा? Why had your birthday been celebrated by you at your home? By you at your home, right? At your home, ये बन गया। मिस्टर शर्मा हैड नॉट सीन द इंडिया गेट, क्या हो जाएगा? द इंडिया गेट हैड नॉट सीन बाय मिस्टर शर्मा, ये हो गया। द इंडिया गेट हैड नॉट बीन सीन बाय मिस्टर शर्मा, बताइए 3 out of 3 कितनों के, बताइए 3 out of 3 कितनों के, द इंडिया गेट नॉट बीन सीन मिस्टर शर्मा, बिल्कुल 3, 3, 3, आशुतोष जी, गुलशन जी, सचिन जी, हबीब जी, करेक्ट करेक्ट, खुशी जी, गुड गोइंग चैंपियंस, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस। चलो दोबारा अनाउंसमेंट कर देता हूं, जो बच्चे भी कनेक्ट हुए हैं, आज शाम को 7:30 बजे जुड़ेगा अद्भुत प्रश्नोत्तरी के साथ आपके एसवी सिंह सर के साथ, और आपकी टीम में से 2 कैंडिडेट जुड़ने वाले हैं आज, ठीक है? 7:30 रहेगी ये, जिसमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, ठीक है? और चेक करना आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, जरूर जुड़ना 7:30 बजे शाम को, गॉट इट? चलो ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? एनी डाउट यहां तक? क्लियर? यस 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 यस, क्लियर? ओके सर। चलो हेडिंग डालो, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, क्या? पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अमेरिकन के अकॉर्डिंग बन जाएंगे, बींग लग जाएगा, लेकिन ब्रिटिश के अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे। हमारे इंडिया में ब्रिटिश लैंग्वेज चलती है जिसमें पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है? पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, और ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। आर्मी भाई, सोनू पाल भाई, कल अगली बार जुड़ेंगे आपको, पक्का डन। फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस में पढ़ाने वाला नहीं हूं, और जो इसका आंसर दे देगा मैं क्यों पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है, उसका मैं लाइव, है ना, अगले 7 दिन के लिए नाम बोलूंगा। चलो और बताओ, ये बताओ मैं आपको फ्यूचर टेंस क्यों नहीं पढ़ा रहा, पैसिव वॉइस मैं नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, कसम खा के आया हूं आज। बोलिए वाय वाय सर, अरे वाय तो आप बताओ, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। अरे अभी नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से आ गया, अभी तो बहुत बाकी है, पैसे में तो बहुत है, अभी सोचा नहीं होगा आपको। ये ऐसी सीरीज है ग्रामर की कि लगातार जो ज्वाइन करेगा 100% के समय में आएगी, और A to Z सीरीज है, जीरो से हीरो वाली सीरीज है पूरी, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। बनते हैं क्यों नहीं बनते, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, दो बनते हैं इसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसे बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का भी बनता है। हाँ ये मॉडल वाले कौन है, चलो चेक करूंगा मॉडल वाले, गुड 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 गोइंग गुड गोइंग गुड गोइंग, आशुतोष है शायद, चलिए ठीक है। देखो एक बच्चे का आंसर आया, ध्यान दो सभी, फोकस करो, अरे भाई फोकस करो सभी। देखो जो विल और शैल है ना चैंपियंस, ये हमने किसमें पढ़ा है, मॉडल्स में पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, मॉडल्स, 13 मॉडल्स होते ना, मे माइट मस्ट कैन कुड शैल शुड विल वुड
शैलोविल आ गए ना, तो जो नियम कायदे कानून मॉडल पे लगते थे वो नियम कायदे कानून यहाँ लग जाएंगे। मॉडल में दो मैंने पढ़ाए थे, दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो भाई एक फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, एक फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, हड़े खत्म। समझे नहीं समझे? आप ये सोचो फ्यूचर टेंस का नहीं करना है, फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, देखिए सेंटेंस ये है, ही विल स्पीक इंग्लिश सेंटेंस है। तो आप मान लो मॉडल है, जो मॉडल आता है बी लगा देते हैं तो कैसे हो जाएगा, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय हिम। और वैसे कहने को तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, वैसे कहने को फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया ये। तो जब मैं एक बार मॉडल्स में पढ़ा चुका हूं शैल और विल, ठीक है, तो मैं दोबारा क्यों पढ़ाऊं? बहुत ही मूर्ख होते हैं वो टीचर जो दो दो बार पढ़ाते हैं कि चीज को, मॉडल्स में अलग फ्यूचर में अलग, अरे जरूरत क्या है? तो चैंपियंस, जो नियम कायदे कानून मॉडल्स पे अप्लाई होते थे वो नियम कायदे कानून फ्यूचर टेंस पे अप्लाई होंगे। देखो फ्यूचर परफेक्ट दिखाऊं आपको, आप तो मॉडल मान के चेंज करना, मॉडल मान के चेंज करना, लिखो ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तो आप ये मानो मॉडल है, मॉडल आ रहा है आ रहा है, तो क्या लगा दोगे बीन, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय हिम। लो बन गया। वैसे कहने को तो फ्यूचर परफेक्ट है, ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है। बोलो सर मजा आ गया है, बोलो क्लियर हो गया ना? बाबू गर्जुली और विजडम, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? फालतू दो दो बार पढ़ना पागलों की तरह, दो दो बार पढ़ाने वाले पागल। तो मैं तो पढ़ाने वाला हूं नहीं भाई, यानी कि पूरा फ्यूचर में दो ही तो बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट, और नहीं बनता कोई। और दो ही मैंने मॉडल्स के फॉर्मूले कराए हैं आपको, दोनों कवर हो गए उसमें। तो विल और शैल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल और शैल मॉडल्स हैं। तो जितने नियम कायदे कानून मॉडल्स पे अप्लाई होंगे वो विल और शैल पे हो जाएंगे, फ्यूचर खत्म। देखा, बिना कराए फ्यूचर खत्म कर दिया आपका, बिना कराए फ्यूचर पैसे वाइज खत्म हो गए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलो कोई डाउट? यस सर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं है, नहीं बनता फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नहीं बनते, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, फ्यूचर परफेक्ट बनता है, और दोनों ही मॉडल्स में बन जाते हैं, शैल और विल मॉडल है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी साहेब, बिल्कुल क्लियर हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब कुछ अलग पढ़ाता हूँ, ये तो सब छोड़ो। अब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, पास्ट इंडेफिनिट खत्म, फ्यूचर टेंस खत्म, मॉडल में ही खत्म करा दिया फ्यूचर, तो सोचो इसके अलावा स्पेशल वर्ब्स करा दी, बाई की जगह क्या क्या एट आता है, विद आता है, वो भी सब क्लियर करा दिया आपको, करा दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो चुका है, चलो नो डाउट। अगर मैं भी स्टार्ट करता हूँ तो पूरा ख़त्म करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, क्योंकि स्पेशल टॉपिक स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस के अंदर ही, नई चीज़ होगी वो, तो आप गड़बड़ कर जाओगे, बिल्कुल गड़बड़ कर जाओगे। चलो लेकिन कर दूँ, थोड़ा सा बता दूँ, कोई इशू नहीं है, चलो तो ठीक है, नई चीज़ सीखें थोड़ी सी, नई चीज़। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नो डाउट, फ्यूचर ख़त्म हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ पैसिव वॉइस ऑफ, ध्यान देना, एस टू आर टू एम टू वॉस टू, ये 10 है टोटल, वर टू हैज टू हैव टू Had to, shall have to, will have to, total 10 है ये। इनका पैसिव कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है,
आपको बी लगा देना, एडे खत्म करना है। क्या लगाना है पैसे में? बी लगाना, एडे खत्म करना है। यानी कि देखिए, जो एक्टिव फॉर्मेट होगा हमारा वो होगा सब्जेक्ट, और इनमें से कुछ भी हो सकता है, डैश 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 डैश, समझ गए आप? इनमें से कुछ भी हो सकता है, 10 के 10 में से, क्लियर? या वी फर्स्ट रहेगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ये बन गया एक्टिव का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट? एक्टिव का। फॉर एग्जाम्पल, आई यहां लगा दिया हमने हैव टू, फिर क्या लगा दिया? स्पीक, और फिर क्या लगा दिया? इंग्लिश। ये बन गया, ये बन गया सेंटेंस। और कहा इसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करो, तो कोई टेंस वेंस तो नहीं है? टेंस वेंस तो है नहीं भाई, इनमें से एक यूज किया है। क्या यूज किया है? हमने हैव टू यूज किया, ये वाला हैव टू यूज किया है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और जब इसे पैसिव में लेके जाओगे तो क्या आएगा? चैंपियंस। यहां पर ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर क्या लगाओगे? इनमें से जो रहे, ये जो है ना, ये वाला खाली, ये लगाओगे, फिर क्या लगाओगे? बी, फिर क्या लगाओगे? वी थ्री, फिर क्या लगाओगे? बाय, फिर क्या लगाओगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, राइट? इस तरीके से ये पैसे में चेंज हो जाएगा और सीधा हो जाएगा इंग्लिश। अब सिंगुलर है तो हैज टू आएगा, या हैव टू तो आएगा नहीं, हैज टू, हैव टू, हैव टू प्लूरल के लिए, हैज टू सिंगुलर के लिए आता है, इंग्लिश हैज टू। फिर क्या लगाओगे? बी, फिर क्या लगाओगे? स्पोकन, क्या लगाओगे? स्पोकन, फिर बाय, फिर मी। लो बन गया एक्टिव का पैसे, बन गया। लो क्या दिक्कत है? क्योंकि यहां पर देखो आई है इसलिए हैव टू यूज किया है, यहां पर सब्जेक्ट इंग्लिश है इसलिए हैज टू यूज किया है। अरे पहली बार पढ़ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है ना, नई नई चीजें, मजेदार चीजें, एयर एग्जाम में ही आती हैं। टेंस वाले पैसे तो बहुत कम आते हैं, ना मत के बराबर आते हैं। हाँ सब कराऊंगा रणवीर, सब कराऊंगा, पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझो आप, जड़ तक जाओ सभी चैंपियंस, फिर सब कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो देखो, ध्यान दो एक और। शी इज टू प्रिपेयर नोट्स, ये हो गया। तो कैसे पैसिव बनाओगे? नोट्स, अब नोट्स क्या है? प्लूरल है, आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है? और अगर मैं कहूं शी इज टू प्रिपेयर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते चलना, कॉफी, तो कैसे होगा? कॉफी इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय हर। लो, अरे भाई सिंपल सी बात है, यहां शी सब्जेक्ट है तो इज आ रहा है, और यहां नोट सब्जेक्ट है तो आर आ रहा है, यहां शी सब्जेक्ट इज आ रहा है, यहां कॉफी सब्जेक्ट इज आ रहा है, क्या दिक्कत है? कोई डाउट? कोई डाउट बोलो फटाफट। देखो नेगेटिव कैसे बनाओगे, नेगेटिव कैसे बनाओगे? यू आर नॉट टू स्पीक उर्दू, मान लीजिए कह दिया यू आर नॉट टू स्पीक उर्दू, और आपको पैसे बनाना है, कैसे बनेगा? उर्दू इज आ जाएगा ना, नॉट टू बी स्पोकन बाय यू, बन गया। इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, कुछ नहीं इंट्रोगेटिव में, कैसे? वॉज ही टू लर्न इंग्लिश, ये बन गया। क्या हो जाएगा? वॉज इंग्लिश टू बी लर्नड बाई हिम, तो बन गया। क्या दिक्कत है?
अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? बोलो फटाफट। हाँ बेटा बिल्कुल आ सकते हैं अदिति, 10th बोर्ड में पैसिव टॉपिक है तो कुछ भी आ सकता है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, यस करेक्ट, गुड गोइंग चैंपियंस। बोलो यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो डाउट्स, नो डाउट्स, नो डाउट्स। अब मैं ये 10 के 10 जो है ना, इस टू आर टू एम टू वास टू वर टू हैज टू हैव टू हैड टू शल टू लेफ्ट टू, हाँ 10 हैं। कौन कौन से? इस टू आर टू एम टू वास टू वर टू हैज टू हैव टू हैड टू शल टू लेफ्ट टू, 10 हैं। 10 के 10 में से क्वेश्चन दे रहा हूं, संभालना। नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेट हो सकता है, सिंपल हो सकता है, चैंप संभालिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस, नो डाउट, आई अंडरस्टैंड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सोच समझ के बनाना, लिखो। ही हैज टू स्वीप द रूम। चेंज करो, द टीचर इज नॉट टू टेल अ लाई। चेंज करो, हैड यू टू पेंट द वॉल। चेंज करो, चेंज कर दो, अरे खत्म, फटाफट चेंज करते चलो। क्या बात है अदिति बेटा, क्या बात है? स्विफ्ट होता है क्या? स्वीप्ड होता है, ये होती थर्ड फॉर्म, स्वीप स्वैप्ट, स्वैप्ट, स्वीप स्वैप्ट, स्वैप्ट, ये होता है। चलो चेक करना, मैं आंसर्स लिख रहा हूं। ही हैज टू स्वीप द रूम, तो सीधा हो जाएगा, द रूम हैज टू बी स्वैप्ट बाय हिम। नेक्स्ट, द टीचर इज नॉट टू टेल अ लाई, तो क्या हो जाएगा? ए लाई इज नॉट टू बी टोल्ड बाय द टीचर। हैड यू टू पेंट द वॉल, तो क्या हो जाएगा? हैड द वॉल टू बी पेंटेड बाय यू। हैड द वॉल टू बी पेंटेड बाय यू। बोलो कोई डाउट? बताओ 3 out of 3 कितनों के? क्विक, करेक्ट, गुड गोइंग नीलम शर्मा जी, गुलशन जी, लक्ष्मी जी, राम किशोर, रेड इंडियन, जयराम राठौर, कीर्ति अग्रवाल जी, संजीव जी। बताइए कोई डाउट यहां तक चैंपियंस? बोलिए कोई शक? तो बताइए कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को, एक कॉन्सेप्ट कैसे लगे नए नए शानदार वाले पैसिव वॉइस, है ना? अब तो क्लास शुरू हुई है, ये मान लीजिए आप पैसिव वॉइस की, टेंस वालों से काम नहीं चलता है, बहुत कुछ आता है एग्जाम्स में। ठीक है चैंपियंस, ठीक है, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शाम को 7:30 बजे लाइव अद्भुत प्रश्नोत्तर, सभी जुड़ना, ठीक है चैंपियंस, और शाम को 6:30 द हिंदू वकैब लेके आ ही रहा हूं मैं, उसमें जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है चैंपियंस, कल फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो, सेम टाइम, इसी जगह, सेम प्लेस, अच्छे जज्बे के साथ, विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।
अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।